नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। जोधपुर लूनी रेलवे स्टेशन पर एक कोच में लगी आग। पालघर में सीएम शिंदे के बैग और हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। झारखंड में दोपहर शाम तक 59.28% मतदान हुआ। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहा उपचुनाव, दोपहर 3 बजे तक रामगढ़ में सबसे ज्यादा 60.74% मतदान। जेएमएम कांग्रेस की सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार पर अखिलेश का तंज, बोले अब गैराज में खड़ा हो जाएगा बुलडोजर। प्रदूषण बरकरार, किस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही दिल्ली सरकार, एलजी ने दिखाया आईना। देवघर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, झारखंड की पहचान बदलने की हो रही साजिश। सीएम नीतीश कुमार ने फिर की नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश, पीएम ने फिर हाथ पकड़कर रोका। झारखंड में बही लोकतंत्र की बयार, काम नहीं आई धमकी, नक्सलियों के गढ़ में मतदान केंद्रों पर दिखी लंबी कतार। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।